गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। परी देखो उठ चुकी है और रो रही है क्योंकि इसको सोते सोते ना इसका कोई हलवा खा गया। ये इसको पता नहीं क्या हो जाता है, सपने में देखती रहती है कि हलवा खाते हुए कोई छीन के खा जाता होगा। 2 बार रो चुकी है। इधर देख क्या हुआ, हलवा खा गया तेरा कोई? तो अभी जो है मॉर्निंग के बज चुके हैं 7:15 और मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार। राइड के लिए गुड़गांव निकलूंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखो किचन में क्या हो रहा है। किचन में बाबूजी लगे हुए काम करने में। और ये है इस साइड में पूजा, और इस साइड में क्या बन रहा है, चाय बनी है और पोहे। चाय मैं पीता नहीं हूँ, पोहे खाऊंगा। चाय चाहिए? चाय दे भाई इसको। तो अभी फटाफट से पोहे खा के निकलूंगा गुड़गांव अपने राइड वाले काम के लिए। तो चलते हैं फटाफट से चाय गुड़गांव, चाहिए? और ब्लॉग को लास्ट तक देखते चाय रहिएगा मंगा और लो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अभी मैं राइड चलाने के लिए आ चुका हूँ जोन में, और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बुढ़ेड़ा चौक पे। यहाँ पे नियरेस्ट में पड़ता है SGT यूनिवर्सिटी, तो वहां से मॉर्निंग में राइड मिल जाती है गुड़गांव की साइड की। अभी वेट करता हूँ 10 से 15 मिनट। 7:47 हो चुकी है। 8:05 तक वेट करता हूँ। अगर कोई राइड आए तो सूच है, नहीं तो यहाँ से सीधा निकलूंगा। दस्तोर से राइड भाई मिलना आज शुरू हो तो जाती है बैक टू बैक। तो आ अभी अर्ली मॉर्निंग ही है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं भाई है। 5-10 मिनट यहाँ वेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन। दोपहर के बज चुके हैं 12:08 है वैसे 12 बजने में, और यहाँ से मेरा ऑफिस पड़ेगा तकरीबन 6 किलोमीटर दूर। तो वेट कर रहा हूँ लास्ट राइड का, कि अगर ऑफिस साइड की मिल जाती है तो, अगर मिल गई तो बिल्कुल ऑफिस के आसपास ही ड्रॉप करूंगा जाके, क्योंकि 18 सेक्टर में ही मेरा ऑफिस भी है। और नहीं मिली तो फिर से मेरे को कल की तरह जो है सेक्टर 18 जाना पड़ेगा खाली। आज अभी तक जो है 6 राइड हुई हैं। 6 में जो पहले 2 कस्टमर थे बहुत चेपू टाइप के थे, सर दर्द कर दिया, और राइड भी उनकी थी बड़ी बड़ी 35-35, 40-40 मिनट की। 12:20 हो चुकी है, राइड मेरे को मिल गई थी सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से। अब मैं पहुंच चुका हूं अपना ऑफिस मॉर्निंग का पहले वाला रूट लेने के लिए। ऊपर चलते हैं, 12 बजे हो जाता है टास्क का साइन। तो अपना रूट चल के फाइनली देखते हैं कितने पैकेट हैं और कौन कौन से एरिया के हैं। तो फटाफट से चलते हैं ऊपर। 3:20 हो चुके हैं और मेरा मेडिसिन का रूट हो चुका है कंप्लीट। और अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 9A गुड़गांव में, और यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ घर। घर पहुंचने में मेरे को मान लो 20 मिनट और लग जाएगी, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक मिलता नहीं है। तो सीधा चलेंगे घर। घर पहुंच के अपने को वही काम करना है, पेट पूजा, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से। लंच वंच में लेके नहीं आता हूँ आजकल, और पहले लेके आता था, लेकिन अब जब से स्कूटर ले लिया है ओला का, तब से जो है मैं लंच करने जाता हूँ घर पे ही। तो वैसे जो डिस्टेंस पड़ता है, मतलब घर आना जाना, मतलब 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रन करना रहता है, लेकिन बीच में जो 1.5 से 2 घंटे जो टाइम है वो आराम से पास हो जाता है। और बीच में जो मेरे फोन की बैटरी वैटरी हो जाती है डाउन, उसको भी मैं कर लेता हूँ चार्ज। तो फटाफट से चलते हैं सेक्टर 9A से घर की तरफ, और सीधा घर चल के करते हैं पेट पूजा। फाइनली पहुंच चुका हूँ घर और 4 बज गए हैं, 10 मिनट बचे हैं 4 बजने में। और ये स्कूटर है फुल चार्ज, अब इसको लेके चलूंगा। और बाइक खड़ी है वहां, इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी तो अभी बाल्टी से पानी छिड़का है इस पे ताकि ठंडी हो जल्दी से जल्दी। और इधर दोनों शैतान देखो, ये जो है दोनों सोए हुए हैं, गौरी और परी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। और एक हमारे शैतान ये रे इधर क्या कुछ करने में लगी हुई है, खाना निकालने में। भूख लगी है जोर से, फटाफट से हाथ पैर धो के खाएंगे खाना। पेट पूजा जरूरी है, इतना लेट हो जाता है देख लो। ऑलमोस्ट 10 मिनट बची है, मतलब 4 बज रहे हैं सुबह का, मतलब या ये कह लें कि दिन का पहला खाना जो इस टाइम नसीब होता है, कुछ तो समझो। फाइनली 5 बज चुके हैं और अब मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। मेरा ओला स्कूटर एकदम ऑन है, और ये है चीता। चीता भी सो के उठा है, तो अब ये गोदी माँ ने कह रहा उठा उठा के इसको दे मेरे को। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपना ऑफिस के सेकंड रूट के लिए। वैसे राइड चलाते हुए जाऊंगा, रूट तो मेरा जो है इवनिंग में होता है 7:30-8 बजे, लेकिन मैं जल्दी निकल जाता हूँ राइड चलाने के लिए। ये देख, हाँ, और ये चीता क्या हुआ परी, क्या हुआ?
अभी सो के उठी है, सुस्त है, तो फटाफट से निकलते हैं गुड़गांव जोन में। आज इवनिंग में घर से जल्दी निकलने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं निकल गया था 5 बजे घर से और मैं 27 किलोमीटर चला के आ चुका हूँ स्कूटर, और सिर्फ एकमात्र राइड मिली है वो भी 5 किलोमीटर की। और कहाँ से मिली थी? भीमनगर से मिली थी, और ये मिली थी पालम धर्मा कॉलोनी की, 5 किलोमीटर की। अब उस राइड को छोड़ के मैं ऐसे आ रहा था तो एक राइड आई, फिर वो आते के साथ ही कैंसिल हो गई, और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 23 के गोल चक्कर पे। पीछे है वो गोल चक्कर और यहाँ से ऑफिस है मेरा 2.5 किलोमीटर के आसपास, और टाइम हो रहा है 6 बज के तकरीबन 45 मिनट। अब मैं सोच रहा हूँ राइड क्या करूँ, 7:30 तो मेरे को ऑफिस पहुंचना ही रहता है, कोई भी राइड लूंगा, इस एरिया में रहती है बहुत ज्यादा ट्रैफिक, तो जाम में फंस जाऊंगा तो फिर ऑफिस लेट हो जाऊंगा। तो उससे बढ़िया है के आईडी को करके ऑफ और फटाफट चलता हूँ मैं अपने ऑफिस इवनिंग का रूट लेने के लिए। टारगेट के हिसाब से 12 राइड करनी थी, 11 कर चुका हूँ, एक और करनी है तो एक तो हो जाएगी, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइनली अपना इवनिंग का मेडिसिन रूट कर दिया कंप्लीट, और अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 9 में, 9 और 9A का मेन रोड है, और टाइम हो चुका है 9:41। तो अब यहाँ से निकलूंगा सीधे घर, पहुंचने में वही 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो आज इवनिंग के रूट में तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बस 5 बजे जब मैं घर से निकला तो आज राइड मेरे को कम मिली, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर और 11 बज गए हैं। ये पीछे बोतल में पानी भरा जा रहा है और चीते देखो दोनों यहाँ घूम रहे हैं। परी क्या हो रहा है? पानी पी रही है? पी ले पानी। और आज लेट हो गया ऐसे ही जानबूझ के, नहीं तो 10:30 बजे फ्री हो गया था, फिर अखिलेश से मिलने चला गया। मतलब चलो कोई बात नहीं, अब पानी वानी पी के और नहाने के बाद खाएंगे खाना, क्योंकि रात के बज गए 11, भूख लगी है बहुत जोर से। तो फाइनली खाना वाना खा चुके हैं, और ये है गौरी और इधर है परी, ये दोनों खेल रही हैं, और मैं खाना खा के एकदम हो गया हूँ फिट सोने के लिए। नहीं, अभी वीडियो को करूंगा एडिटिंग और उसके बाद करूंगा अपलोड, फिर उसके बाद सोऊंगा। तो आज के ब्लॉग वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो आपको लगा हो अच्छा तो वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों में कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।